नमस्ते, स्वाभिमानी माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं, तो चलिए इसकी सामग्री क्या क्या है हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। ये मैंने गाजर घस के रख लिया है, देखिए, और ये चीनी, घी, ये काजू किशमिश, और हम 1 लीटर दूध लेंगे। तो मैंने ये 1.5 केजी गाजर है, तो उसमें हम 1 लीटर या फिर 1.25 लीटर दूध डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम गाजर का हलवा बनाना। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें अब हम पहले घी डालेंगे। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। हम अपना घी को अच्छे से पिघलने देते हैं। हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया है और घी भी अच्छे से पहले पिघल जाए, फिर हम इसमें अपना घसा हुआ जो हमने जो गाजर जो घस के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। घी अच्छे से हमारा पिघल गया है, हम इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। इस तरह से अब हम इसमें गाजर डालेंगे। हम इसमें सारा गाजर एक ही बार में डाल देंगे। हम इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम ही रहेगा और गाजर को अच्छे से पहले हम भुनने तक पकाएंगे और इसे पहले हम ढक देते हैं। बीच बीच में हमें इसे कवर को हटा करके अच्छे से चेक भी कर लेना है, नीचे सटे नहीं, नीचे सटना नहीं चाहिए। अच्छे से इसको अच्छे से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अभी हमें और भूनना है इसे। अभी तो पानी देखिए पूरा पानी जैसा दिख रहा है अभी, तो हमें अभी इसे और भी भूनना है। तो चलिए हम इसे फिर से ढक करके मीडियम फ्लेम में ही और पकाएंगे, इसे अच्छे से और भूनने देंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा गाजर अच्छे से भुना गया है, भुना गया है अच्छे से पूरा। देखिए कितना ज़्यादा था और ये भुनने से कितना कम हो गया है। तो इसी तरह से अच्छे से इसको पहले हमें भून लेना है, तो फिर इसके बाद ही हम इसमें दूध और चीनी डालेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें दूध डाल देते हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक करके हम अच्छे से फिर पकाएंगे मीडियम फ्लेम में दूध पकने तक। हम इसमें 1.25 लीटर दूध डालेंगे। तो मैंने इसमें 1.25 लीटर दूध डाला है, आप देख सकते हैं। अच्छे से इसे दूध को हम पकने देते हैं। दूध हमारा पूरा ये गाजर अच्छे से सोख लेगा, इसके बाद फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारा आधा दूध गाजर ने सोख लिया है। अब हम इसी समय में गैस का फ्लेम लो कर देंगे
और हम इसे लो फ्लेम में ही गाजर के हलवे को पकाएंगे। इसे अब हम फिर से ढक देते हैं। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। देखिए हमारा हलवा अच्छे से बन गया है, दूध हमारा सारा सोख लिया, दूध गाजर में खोआ भी बन गया है। देखिए इसी तरह से हमें गाजर का हलवा बनाना है। देखिए हमारा गाजर का हलवा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट जो दिखाया था वो इसमें हम डाल देंगे अच्छे से। अब ये खाने के लिए हमारा गाजर का हलवा रेडी है। तो इस अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।